हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्त्री और पुरुष के सभी रोगों का पक्का इलाज है ये पत्तियाँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। गुलर को आयुर्वेद में हजार साल से चिकित्सकीय रूप में प्रयोग किया जाता आ रहा है। इसमें खून साफ करने के, गर्भाशय को शुद्ध करने के, वीर्यवर्धक और डायबिटीज को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। औषधीय प्रयोग के लिए इसके पत्ते, छाल, जड़ तथा दूध सभी का इस्तेमाल किया जाता है। गुलर का प्रयोग विविध रोगों के उपचार में प्रभावी है। ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। ये दिल के रोगों, मधुमेह, वात, पित्त, प्रदर, गर्भपात आदि की बहुत ही कारगर औषधि है। गुलर के पके हुए फल खाने योग्य होते हैं। इसका सेवन हृदय रोग, ज्वर, चक्कर आना, कमजोरी आदि सभी को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं इसके उपयोग के बारे में कि ये किस किस रोगों में दवाई की तरह काम करता है। पहला, पेचिश। गुलर की कोमल पत्तियों का 10 से 15 मिलीलीटर रस सेवन करें, आपका पेचिश ठीक हो जाएगा। नंबर दो, कमजोरी, बल, वीर्य की कमी। गुलर की छाल का पाउडर और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। इसे रोज 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करें। इससे कमजोरी दूर होती है और शरीर में बल और वीर्य की बढ़ोतरी होती है। नंबर तीन, वीर्य का पतलापन है तो भी इससे दूर हो जाएगा। गुलर की छाल का पाउडर एक भाग और बरगद की कोपले एक भाग, मिश्री, शक्कर दो भाग मिलाकर नियमित 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ दिन में दो बार सेवन करने से वीर्य गाढ़ा होता है। ऐसा 2 महीने तक नियमित किया जाए तो आप देखेंगे कि आपका वीर्य गाढ़ा हो गया है। नंबर चार, शुक्राणुओं की कमी, लो स्पर्म काउंट, तो इससे बढ़ जाएंगे। गुलर के दूध की 20 बूंदे छुआरे के साथ खाने से शुक्राणु की संख्या बढ़ती है। महिलाओं के लिए श्वेत प्रदर से छुटकारा पाने के लिए इसके लिए गुलर के सूखे फल और मिश्री को एक साथ कूट लें और इसे शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। इसे आप सुबह शाम ले सकते हैं। नंबर छह, प्रदर या प्रमेह में ये बहुत ही यूरिनरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं बहुत ही काम करता है। इसके लिए आपको करना है गुलर के ताजे फल का रस और शहद के साथ सुबह और शाम लेने से प्रदर में लाभ होता है। नंबर सात, कफ अगर ज्यादा होता है तो उसमें भी ये काफी कारगर माना जाता है। इसके लिए गुलर के दूध को मिश्री और शहद के साथ दिन में 3 बार खाना चाहिए। नंबर आठ, अगर आपको किसी भी तरह का लीवर के रोग हैं या वात विकार हैं तो आप गुलर के पत्ते का रस नियमित पिए। पत्ते का रस आप ले सकते हैं, आप 1 चम्मच या 2 चम्मच इसका रस ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। दोस्तों, हमारा चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।